अच्छा अच्छा ये गौशाला है, आप देख सकते हैं, ये भैया है, ये माता जी है। माता जी क्या नाम है आपका? साध्वी रेणुका गिरी। साध्वी रेणुका गिरी। अच्छा, तो माता जी कैसे, मतलब आपका दिल किया यहाँ आने का? देखिए, ये तो सन्यास का जीवन है हमारा जी, कहीं से भी कहीं हम चले जाते हैं जी जी। भगवान ने यहाँ भेजा गुरु महाराज की कृपा से जी जी, तो हम यहाँ पर आए जी। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। यहाँ एक शिवलिंग था जी जी, भोलेनाथ ने हमें बुलाया और हम आ गए। अच्छा, क्या बात है। तो ये गौशाला फिर कैसे, मतलब आपने ये गौशाला हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ कचड़े का ढेर पड़ा हुआ है जी जी, नाला बह रहा है, कोई साधन नहीं था जी जी। तो हम यहाँ 6 महीना तक तो वैसे ही भोलेनाथ की पूजा करते रहे जी जी, और गुरु महाराज का अपना धूना लगा के, जैसे हम साधु संत धूना लगाते हैं जी जी, हम और महाराज श्री जी जी धूना लगा के पूजा करते रहे जी जी। में हमारे श्री गुरु महाराज जी जी, उन्होंने एक गाय के छोटी सी बच्चिया दे दिया जी जी, छोटी सी बच्चा दिया, बोला कि इसको रखो और आप सेवा करो जी जी। हम उसको यहाँ पर रखे। अच्छा, भिक्षा भी करते थे, भिक्षा भी मांग के लाती थी जी जी, उनको खिलाने लगे और अपनी भी भजन करने लगे जी जी। करते करते खुला था, चारों तरफ से ओपन था ये आश्रम जी जी, से भी कोई भी आ सकता था जी जी। इसमें बाहर के जैसे कूड़े में गाय घूमती रहती है जी जी, कोई बच्चा आ जाता था, कोई गाय आ जाती थी जी जी जी, या घायल होती थी जी जी, तो मैं उनको दवा पट्टी मलहम वगैरह लगा देती थी। अच्छा अच्छा, वैसी एक गाय मोता आई यहाँ पर, जिनको हमने काफी घायल थी, जख्म था उसके शरीर पर जी, तो मैंने उसका मलहम पट्टी किया जी। मलहम पट्टी किया तो गौ माता आश्रम से जाई है ना। अच्छा अच्छा, आज भी है यहाँ। अच्छा, आज भी है, आज भी है। अच्छा, मतलब कितना हूँ भागा में तो भागे ना यहाँ। तो माता जी ये बताइए आप मुझे, ये कितना समय हो गया इस गौशाला को? इस गौशाला 2017 से। कितनी पुरानी गौशाला है आपकी? जी, ये गौशाला 2017 से है। 2017 से, 8 साल। अच्छा अच्छा, तो ये जो गौशाला है, जैसे माता जी ने मुझे बताया कि ये कूड़े का वो जगह हुआ करती थी, पूरी कूड़े की जगह हुआ करती थी, और आप देख सकते हैं आज कितना अच्छा बना दिया यहाँ पर। ये देखिए कितनी सारी गाय है, इनकी सेवा ये लोग करते हैं। मैंने कुछ गाय देखी, जो ये वाली गाय है, ये वाली, ये अंधी गाय है, ठीक है, चार गौ माता ब्लाइंड है। आप देखिए माता जी कितनी सेवा कर रही है इनकी, चार गौ माता ब्लाइंड है ना? माता जी नहीं, ईश्वर की सेवा है। चार गौ माता यहाँ ब्लाइंड है जी, और आप गौशाले में देख रहे हैं टोटल 40 गौ माता हैं जी जी, और इसमें तकरीबन 30 गौ माता ऐसी हैं जो रोड के एक्सीडेंटल गाय। अच्छा, जिनको हमने अपने हाथों से सेवा की है, मलम पट्टी की है जी जी, सुई दवाई करा करके फिर इस गौशाले में रखा गया है। क्या बात है। अभी आपको एक गौ माता दिखाते हैं, जो सामने काली गौ माता बंधी है जी, इनके उस पर ये गाय एक्सीडेंट होके पड़ी थी, कोई उठाने नहीं आ रहा था। एक भगत है जिनका नाम अशोक शर्मा जी है जी जी, उन्होंने गाड़ी में डाल के दिसंबर के महीना में, आज से 3 साल पहले जी, 2021 में जी, और 2:30 बजे रात्रि में वो यहाँ इस गौशाले में लेके आए जी जी, कि ये गाय घायल हो गई है। जब हमने देखा तो पूरा शरीर इसका फटा पड़ा था, आपको निशान में दिखा देती हूँ जी जी, और गाय के कमर भी टूट गया था। अच्छा, अब ये गाय को यहाँ लाए, ठंडी का महीना था, और उसमें हमने इनको आगोग दिखाया, पर गाय में जरा सा भी ऐसा न हुआ कि ये एक्टिव नहीं हुई, गाय की मतलब जिंदा है जी जी। सुबह जब हुआ तो देखे तो पूरे शरीर जख्मी गाय, न हिल रही है न डोल रही है, बस ऐसी पड़ी हुई थी। अच्छा अच्छा, सबने कह दिया कि ये तो मर गई है, आपको इसको करने से कुछ मिलने वाला है नहीं जी। हमने जी कहा साहब ईश्वर इसमें जान डाल दे। मैं 3 महीना तक इस गाय को मलहम पट्टी करती रही जी। उस ऐसा समय था, उस टाइम हमारे खाने तक के भी व्यवस्था नहीं था जी जी। हम तो गुरु महाराज के नाम से साधु हैं जी जी, भिक्षा में ही खाते थे जी जी, पर किसी भी तरह से इनको, जैसे गौमूत्र हो गया, नीम का खाल हो गया, हल्दी हो गया जी, इसका पेस्ट बना बना करके जी मैं इनकी जख्म पर लगाती रही, और गौ माता हमारी ठीक 3 महीने के बाद ये खड़ी हो गई थी।
बड़ी हिम्मत है आपकी, आपने इतनी सेवा की इनकी। और आज गौ माता जिंदी है और गौशाले में है, दो बच्चे की माँ बन चुकी हैं। जी जी। और अभी भी जिसको आपने खिलाया, देखिए खूब सुंदर बछड़े का जन्म। हाँ, इस गाय के बछड़े को देखिए, अभी देखिए कमर टूटा पड़ा है इसका, ये है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। और इधर देखिए, हाय नहीं, देख रहे हैं? जी 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 जी। नहीं है ना? जी जी। दोनों गायों का है। हाँ हाँ, इनका है, पर देखिए इनकी नहीं। जी 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 जी। इनकी कमर टूटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए निशान भी है, ये देख रहे हैं? ये पूरा ऐसे करके ये कट था, ये निशान है अभी। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे, इसमें मेरी इतनी हाथ अंदर जाती थी। अच्छा। और मैं कचरा निकालती थी। आपकी बड़ी हिम्मत है। ये जिस गाय को मैंने खिलाया है, इसकी मतलब बछड़ा बड़ा क्यूट सा है ना? जी। मैं एक्चुअली गाय देख रहा था तो उसका नाम भी मंगल रखा है। अच्छा, मंगल रखा आपने? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। इसका नाम लाली है, जो ब्लाइंड है आंखों से। जी जी। और दो गौ माता अंदर बंदी है, एक नंदू महाराज है, एक नंदिनी है। जी जी जी। दोनों वो भी ब्लाइंड है। हाँ जी, हाँ जी जी। और एक ब्लाइंड इधर है, वो ब्लैक जो खड़ी है पल्ली साइड में। जी जी जी। जिनकी बड़ी बड़ी सींग है। अच्छा अच्छा, वो पीछे लास्ट में जो है। जी। अच्छा अच्छा, ये वाली मतलब ब्लाइंड। अच्छा, इतनी छोटी सी आई थी गुड़गांव से। अच्छा। एक गौशाले में ले जा रहे थे, लोग पैसे भी दे रहे थे, जी। पर किसी गौशाले वाले ने नहीं लिया। अच्छा अच्छा। तो मेरे गुरु भाई रहते हैं पुरनगिरी में। जी जी जी। तो उन्होंने उस भगत से बोला कि हमारी बहन गौशाला चलाती है, जी जी, आप ले जाओ। तो वहाँ ले गए, तो मैंने इनको रखा। तो अब इनका इतना खर्चा जो होता होगा आकाशवृत्ति से। हाँ जी। आकाशवृत्ति मतलब? आकाशवृत्ति यानी भगवान भेजते हैं। क्या बात है। भगवान भेजते हैं। जी जी। कोई नेता नहीं, कोई सरकारी खर्चा नहीं। जी जी। किसी MLA ने हमारा कोई मदद नहीं किया है, ना हमने कभी मांगा है उनसे। जी। सब आकाशवृत्ति से। जी। जिसको प्रभु भेजते हैं वो यहाँ आता है, जैसे आज आप आ गए। जी जी। आप मुझे एक चीज बता रहे थे कि ये जैसे इनके इष्ट, आप कृष्ण भगवान के इष्ट, आप मुझसे पूछ रहे थे कौन है? गौ माता है। तो आपने बोला जब वो उनके इष्ट है, हम डायरेक्ट उनकी सेवा कर रहे हैं, और इसी से बच्चा जब पैदा होता है तो इसी का सहारा होता है, और जब जाता है तो इसी। और मृत्यु गौ माता से ही जुड़ा हुआ है। जी जी जी। इन्हीं की जरूरत बनता है, जैसे कि पंच गब्बे बनता है। जी। तो गौ माता से ही बनता है, गाय का गोबर हो गया, गाय का दूध हो गया, गाय का घी हो गया, गाय का दही हो गया, गौमूत्र हो गया। इन पांचों को मिला के पंच गब्बे मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो शुभ अशुभ दोनों कार्य में काम आता है। जी जी जी। बिल्कुल, जब हम किसी का मृत्यु का समय आता है, बहुत ज्यादा उम्र हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, बिस्तर पर शरीर का दुर्गति होने लगता है, तब उस टाइम पर ब्राह्मण भी ये सलाह देते हैं, और शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि आप गोदान करा दीजिए। जी जी। जो कि बैतरणी नदी जो है गौ माता ही पार कराती है। तो उस स्थिति में मुक्ति के लिए कि शरीर प्राण जल्दी मतलब जी। मतलब छोड़े शरीर को, उस हालत में गोदान ही कराया जाता है, गौ माता के पूंछ से संकल्प करा के। जी जी। और गोदान कराई जाती है। तो जब सारी कार्य में हमारी गौ माता है, तो हम गौ माता को इतना कष्ट क्यों दें? बिल्कुल, बिल्कुल। हम इनकी सेवा क्यों ना करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे और जो लोग कहते हैं कि कुत्तों की सेवा वो सही है गलत है, देखिए सेवा तो सेवा। जी। कुत्तों को भी सेवा करनी चाहिए। जी। वो आपके अंदर भावना होनी चाहिए। जी। कि आप किस चीज के, अगर आप सेवा से करते हैं, सेवा भाव से, तो आप सेवा कीजिए, कोई बुराई नहीं। क्योंकि हमारे गुरु दत्तात्रेय महाराज भी कुत्तों को सेवा करी थी, उनको अपने साथ रखे थे। जी। और आज भी उनकी कहीं भी आप देखिएगा स्थापना जो हुआ है, तो चार कुत्ते उनके साथ ही साथ होते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और समाज को क्या आप शिक्षा मतलब मैसेज देना चाहेंगे? देखिए समाज को मैं गौ माता के लिए ही बोल सकती हूँ। सनातन धर्म के जो सभी प्रेमी हैं, जो प्रभु ने हमें हर मनुष्य बना के भेजा है। जी। और सभी के अंदर अन्न का जो है प्रवेश होता है। जी। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी इस मार्ग पर चले और ये कार्य करें। ये अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, मैं तो अब आता रहूँगा आपके पास, है ना?
कोशिश करूंगा जितना हो सके, मतलब रेगुलर आ सकूं वो उतना अच्छा है, है ना। ठीक है जी, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना है साहब। अच्छा जी। मुन्ना जी, मुझे ये बताइए, ये गाय का जो आप बता रहे हो कि ये अंधी है गाय, हाँ जी, जिसको हमने चारा खिलाया, ये वाली गाय, हाँ जी, हाँ जी। तो ये मतलब ये शुरू से अंधी है या मतलब कैसे? शुरू से अंधी है ये। शुरू से अंधी है? हाँ जी, शुरू से अंधी है। अरे बाप रे बाप, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा इसको। हाँ जी, आपने अंधा, आपने रस्सी पकड़ के अंदाजे से लेते हैं, ले जाते हैं बाहर, पानी वानी अपने आप करते हैं। अच्छा, ये सेवा है। अच्छा, हाँ जी, बड़ी सेवा कर रहे हो आप लोग इसके। हाँ जी। तो ऐसी और भी गायें होती है यहाँ पर? हाँ जी, और भी हैं, अंधी गौ माता है, मैं आपको और दिखा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ये गौशाला आया हुआ हूँ मैं, और देखिए ये कितनी मतलब बड़ी चीज है किसी गाय की सेवा करना। हाँ जी, कौन सी है और? आ जाओ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नंदी महाराज है। अच्छा, ये अंधे है। अच्छा, ये भी अंधे है? हाँ जी। ओहो, ये नंदिनी है। अच्छा, ये भी अंधी है। ओह अच्छा। हाँ जी, ये शुरू से ही है। बहुत भैया पुण्य लगेगा आप लोगों को, आप लोग सेवा कर रहे हो इनकी। हाँ जी। अच्छा, कोई नहीं भैया, तो ये लोग छोड़ देते हैं इनको ऐसी? हाँ जी, ये छोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ जी, दूध निकाल लिया गौ माता का, जो लोकल बंदे होते गुजरा, दूध निकाल लिया, छोड़ दिया पन्नी कचरा। आपको मैं ऐसी गाय दिखाऊंगा जो पन्नी खा, अभी हमारे पन्नी उसके पेट से निकलता है, ये चीज मैं आपको जरूर दिखा। सुबह में सैंपल में, अभी तो है नहीं, सैंपल में डेली दो दो पन्नियों में इकट्ठी करते हैं। अच्छा, वो चीज मैं आपको दिखा सकता हूँ। बड़ा बुरा हाल है, देख सकते हैं आप क्या हाल हो रखा है। बहुत बड़ी चीज, अभी आप इनकी सेवा कर रहे हो कम से कम।